इस वक्त हम मौजूद हैं गया के विष्णुपद में और हमारे ठीक पीछे फल्गु नदी है जहां पर है रबर डैम बना हुआ है और यह देश का सबसे बड़ा रबर डैम है जिसे 320 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था ताकि यहां पर सालों भर श्रद्धालुओं को जो यहां पिंडदान करने आते हैं उनको सालों भर पानी मिले ताकि वो अपने पूर्वजों का तर्पण कर सके। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस नदी में पानी नहीं है क्योंकि नदी जो है गंदा हो गया था जिसके कारण रबर डैम को खोल दिया गया और पानी को सुखा कर नदी को साफ़ किया जा रहा है। अब कुछ दिनों में यहाँ पर छठ का चैती छठ मनाया जाएगा लेकिन यहाँ पर पानी नहीं होने के कारण लोगों में नाराज़गी की है। हालांकि इसको लेकर गया के डीएम ने कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर नगर आयुक्त को कहकर पानी की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को छठ पर्व में कोई परेशानी ना हो। गया से न्यूज 18 के लिए कुंदन कुमार। देखिए चैती छठ के आयोजन को लेकर के नगर आयुक्त और कल मेयर साहब भी थे, कल पीस कमेटी के कई सदस्यों ने इस मुद्दा को उठाया तो हमें नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि समय रहते हुए अच्छी तैयारी हो जाएगा और जो पहले तैयारी होती थी जब पानी नहीं था, अभी तो गया जी डैम बना और तत्काल कुछ मरामती कार्य और कुछ सीता पथ के निर्माण के लिए पानी को छोड़ा गया इसलिए फिर पानी जो है अब नहीं है, लेकिन उसको पहले जैसे तैयारी होती थी वैसे करने का आज से युद्ध स्तर पर करने का निर्देश दिया गया है और नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि तैयारी समय पर हो।